बेटा अभी हमने इससे पिछला जो चैप्टर किया है उस चैप्टर का नाम क्या था? प्रोडक्शन। बेटा बात को ध्यान से समझना, हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और ये यूनिट 3 सारी लिंकेज है और ये सारी यूनिट किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है? प्रोड्यूसर, जो गुड्स बना रहा है। पहले चैप्टर में क्या देखा? प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे गुड्स क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेटा जब गुड्स प्रोड्यूस हुए तो फ्री में तो हुए होंगे, तो गुड्स को बनाने में क्या लगा होगा? पैसा। जो पैसा लगा उस चैप्टर का नाम हम क्या दे देंगे? कॉस्ट। सिंपल, जो गुड्स को बनाने में खर्चा हो रहा है वो क्या है? कॉस्ट। अब बेटा आप बच्चे खुद बताओ कि गुड्स को बनाने में कैसा खर्चा हो सकता है, कौन कौन सा खर्चा हमें करना पड़ेगा गुड्स को बनाने के लिए? एक आंसर आया कि भैया क्या खरीदना पड़ेगा? रॉ मटेरियल का खर्चा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। रेंट देना पड़ेगा, लेबर का खर्चा करना पड़ेगा, और मशीन खरीदनी पड़ेगी, और रॉ मटेरियल हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी हो सकता है भैया, और बताओ। वेजेस एंड सैलरीज, लेबर का जो हो गया, लैंड की बात आ गई, ये जितने सारे एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, बिल्कुल ये सारे खर्चे इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो कॉस्ट की सिंपल एक लाइन क्या है? तो पहले मीनिंग बताया, कॉस्ट मीन्स क्या है भाई इसका मीनिंग? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाने में जो खर्चा हो गया वो क्या है? कॉस्ट। और खर्चा दो तरह का होगा, ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी खर्चे हैं ना उसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक खर्चे का नाम देता हूँ मैं वेरिएबल, एक का नाम देता हूँ फिक्स। क्या फर्क है पहले समझेंगे फिर रीड करेंगे। बेटा वेरिएबल वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? जो क्या करे, वेरी करे, जो क्या हो, चेंज। फिक्स का मतलब जो वेरी ना हो, जो चेंज। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो प्रोडक्शन के चेंज होने से, जो प्रोडक्शन के चेंज होने से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और फिक्स का मतलब वो खर्चा जो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं, आप खुद सोचना, एक ऐसा खर्चा सोचना है, चाहे हम ज्यादा गुड्स बनाएं या कम, वो खर्चा क्या रहेगा? सेम। तो उसे तो कौन सा कॉस्ट कह दूंगा? फिक्स। और वेरिएबल में क्या कहूंगा? ऐसा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो वो खर्चा भी ज्यादा, कम कर रहा हूँ प्रोडक्शन तो वो खर्चा भी कम। पहले दोनों के एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप खुद बताओ, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो क्या रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदा जाएगा? और अगर कम करोगे तो रॉ मटेरियल कम खरीदा जाएगा। तो प्रोडक्शन के चेंज होने से, प्रोडक्शन के चेंज होने से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी तो क्या हो रहा है? चेंज। तो क्या उसे मैं वेरिएबल कॉस्ट कह सकता हूँ या नहीं? उसे हम क्या कह देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल, रेंट का जो खर्चा है, रेंट का पेमेंट ऑफ ए रेंट, रेंट का खर्चा वेरिएबल है या फिक्स सोचते हैं? आप खुद बताओ, अगर मैं ज्यादा गुड्स बनाऊंगा रेंट बढ़ जाएगा या सेम ही रहेगा? अगर एक मैंने बिल्डिंग ले ली रेंट पे, उस बिल्डिंग का रेंट फिक्स हो गया, भाई साहब इसके तो मुझे 20,000 रुपये पर मंथ देने हैं, चाहे अब मैं 0 यूनिट बनाऊं, चाहे अब मैं 10,000 यूनिट बनाऊं, चाहे अब मैं 20,000 यूनिट बनाऊं, बिल्डिंग का रेंट तो क्या रहने वाला है? सेम। तो पेमेंट ऑफ रेंट, जो बिल्डिंग का रेंट है, वो कौन सा खर्चा हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट। दो एग्जाम्पल दिए अभी तक, एक कौन सा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्या था? वेरिएबल, क्योंकि वो प्रोडक्शन के चेंज होने से क्या हो रहा था? चेंज। और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया? रेंट, जब आप रेंट की पेमेंट करते हो। अब ऐसी और एग्जाम्पल्स भी देता हूँ एक आध, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का खर्चा। सबसे पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? वेरिएबल है या फिक्स है? खुद सोचो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस एक वेरिएबल खर्चा लग रहा है या फिक्स लग रहा है? कुछ बच्चे वेरिएबल कह रहे हैं, कुछ फिक्स कह रहे हैं। बेटा मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर मैं बोलूं मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या बोलूं? कि अगर आपने कोई बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो एक मिनिमम खर्चा आता ही है, चाहे वो डिपेंडिंग अपॉन कितने किलोवाट का कनेक्शन है, 1,000 हो, 1,500 हो, 2,000 हो, वो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। कौन सा मिनिमम? मिनिमम वाला तो क्या है? फिक्स। लेकिन बियॉन्ड मिनिमम, बेटा वो तो वेरिएबल हो जाएगा, खुद समझो। जितने प्रोडक्शन उतना ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी, उतना ज्यादा बिजली का
बिल आएगा। क्लियर है? दो एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल भी पूछते हैं आपसे। वेजेस, जब आप अपने कैजुअल लेबर को वेजेस दे रहे हो, बेटा देखो मैं बता दूं, कंपनी ना दो तरह के लोग रखती है। एक कभी कभी जो रखने वाले लोग होते हैं उसे कैजुअल लेबर कहते हैं, और एक परमानेंट एम्प्लॉय जिन्हें कंपनी जल्दी से निकाल नहीं सकती। परमानेंट एम्प्लॉय को जब हम पैसे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सैलरी। जब कैजुअल लेबर को पैसे दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेजेस। कैजुअल लेबर का मतलब जिसे कभी भी रखा जा सकता है, कभी भी, उसे कब रखा जाता है? जब प्रोडक्शन बढ़े। कब निकाल दिया जाता है? जब प्रोडक्शन, जब आप कैजुअल लेबर को वेजेस दे रहे हो तो ये कौन सा खर्चा हो जाएगा? लेकिन जब आप परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो वो क्या है? फिक्स। क्या बात समझ में आई है? नहीं, एक कंसेप्ट, जो खर्चा प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होगा वो तो क्या है? फिक्स। और जो चेंज होने से चेंज होगा वो क्या है? क्या ये बात समझ में है? कुछ गया बॉडी में अंदर? कुछ समझ में आ रहा है? मीनिंग, एग्जाम्पल, दो बातें क्लियर हुई, तीसरी बात भी तभी समझ में आएगी। अब आप एक बात समझो, मैंने कहा मुझे भाई साहब फैक्ट्री तो खोलनी है, बिल्डिंग चाहिए, मैं आप बच्चों पे आ गया। मैंने कहा तुम्हारे पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दे दो रेंट पे, ठीक है? तुमने कहा सर जी क्या बात होगी, बाकियों से 25 लेते हैं तो आपसे 25 ही लेंगे, ठीक है ना? तो 25,000 रुपये हमारा बिल्डिंग का रेंट है ना? कोई बेटा भाईचारा कोई निभाओगे, 25 से 30 तो ले सकते हो सर, इतनी है, इतनी पेमेंट देनी है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बिल्डिंग ले ली आपसे, मैंने एक महीना बाय चांस प्रोडक्शन करी ही नहीं, मैंने बिल्डिंग यूज ही नहीं करा, मैंने ताला भी नहीं खोला उस बिल्डिंग का। अब एक महीने बाद आप आ गए और मैं आपको कह रहा हूँ भाई मैंने तो ये बिल्डिंग यूज नहीं करी, मैंने नहीं करी इस पर प्रोडक्शन, तो मैं नहीं दे रहा तुम्हें रेंट, तुम तो मान जाओगे या नहीं मान जाओगे? मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन बस मैंने आपसे चाबी ले ली थी, कुछ भी नहीं रखा, बिल्डिंग बंद की बंद रही एक महीने। और बताओ, एक महीने बाद तुम आ गए भागते भागते, लाओ सर पैसे दो 25,000 रुपये। मैं कहूँ भाई देख लो यार, करा ही नहीं, बिल्डिंग यूज ही नहीं करी, क्या मुझे रेंट देना पड़ेगा या नहीं? बेटा बिल्डिंग का रेंट तो देना ही पड़ेगा वरना लड़ाई हो जाएगी। बात समझने वाली यह है, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कोई गुड्स भी प्रोड्यूस, लेकिन तब भी फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। आप खुद बताओ ना, आपने किसी से कह दिया कि भाई ये घर अब मेरा हो गया, ये घर मैं रेंट पे ले रहा हूँ या बिल्डिंग, अब तुम उसे यूज करो ना करो, कम गुड्स बनाओ ज्यादा बनाओ, वो खर्चा तो होगा ही होगा बेटा। ये बहुत मेन पॉइंट है चैप्टर में, जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है और वो सेम रहेगी वो चेंज। लेकिन अब वेरिएबल की बात करें, अगर जब मैंने अगर प्रोडक्शन ही नहीं करी, क्या मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा? क्या मुझे कैजुअल लेबर रखनी पड़ेगी? क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बियॉन्ड मिनिमम आएगा? तो बेटा अगर जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो तो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या ही हो जाती है? जीरो। क्या बात क्लियर है? ये जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो। पहले मेरे साथ इतना समझना, बाद में लिखना, रीड करो। वेरिएबल में क्या लिखा? वो खर्चा जो क्या हो रहा है ड्यू टू, और ये वो खर्चा है जो ड्यू टू चेंज इन, एग्जाम्पल क्या दिया फिक्स में, रेंट, सैलरी ऑफ और मिनिमम, यहाँ क्या लिखा, परचेज ऑफ, वेजेस ऑफ और इलेक्ट्रिसिटी बिल बियॉन्ड, क्या दोनों बातें क्लियर है? शेड्यूल पे आए, इसका शेड्यूल चाहे मैं 0 यूनिट बनाऊं, 1 2 3, TFC क्या रहेगा? क्या बात क्लियर है? और जब मैं इसकी प्लॉटिंग करूंगा, बेटा ये चैप्टर का बेस है, ये दोनों चीजें ध्यान से सुन लो, पूरा चैप्टर इन्हीं मिनी शेड्यूल एग्जाम्पल्स पे चलेगा पूरा, जिसे ये दो आते हैं उन्हें चैप्टर आएगा। ये देखना है TFC का शेड्यूल सही है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, 0 पे भी 20, 1 पे भी 20, 2 पे भी 3 पे भी, 4 पे भी ज्वाइन करूंगा तो TFC अगर कैसा आ जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन TFC कैन नॉट बी, क्या सारी बातें बता दी, TVC पे आए। TVC का क्या खेल है? 0 पे तो क्या ही होगा, 0। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा, समझ में आता है? जैसे जैसे गुड ज्यादा बनाओगे, कैजुअल लेबर को ज्यादा पेमेंट, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदोगे,
खरीदना पड़ेगा, सारे खर्चे ज्यादा होंगे। तो बेटा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये वैसे वैसे बढ़ता है, और जो ये शेप है पीवीसी की जो ये बनी गई है इसे क्या कहते हैं, इनवर्स एस शेप। और जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे टीवीसी क्या हो जाता है, जीरो। बेटा क्या बात क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मीनिंग एग्जाम्पल शेड्यूल कर्व और ये दोनों बातें लिखो, इस शेड्यूल और कर्व के बिना एक भी बात काम की नहीं है। इससे हट करते हैं आगे, ज्यादा देर पे बात लगाने वाली बात नहीं है, समझने पे ध्यान दो, ये तो सब चलता रहता है। अगला कंसेप्ट बेटा, अभी मैंने आपको टीएफसी और टीवीसी में डिफरेंस बताया, अगला क्वेश्चन क्या है, टीसी टीएफसी और टीवीसी में रिलेशनशिप बताओ। बात को ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है जो टीसी है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, जो अभी हमने देखा पोस्ट के हमारे दो पार्ट्स होंगे, या तो टीएफसी। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कह सकता हूँ टीसी किसके इक्वल है, ये याद रहेगा बेटा, ये थ्योरी भी समझ रहे हो और इससे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलेस भी याद होते रहेंगे। अभी समझा ना कि दो तरह के खर्चे होते हैं, दोनों को प्लस कर दोगे तो कौन सा खर्चा आ जाएगा, टोटल। अभी आपको मैंने एक और बात बताई थी, क्या भैया, आउटपुट टीवीसी और टीसी का, टीएफसी का शेड्यूल बनवाया था, अगर ये शेड्यूल मैंने दोबारा बना दिया सेम वही वैल्यूज के साथ, तो क्या इन दोनों को प्लस करके टीसी का शेड्यूल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, पहली बात ये याद रखनी है टीसी किसके इक्वल होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी के। दूसरी के बाद अगर आपको इन दोनों की शेड्यूल पुराने वाले याद है उसे बनाओ तो क्या भी बन जाएगा, टीसी भी बन जाएगा। तीसरी और बहुत रेलेवेंट बात, अभी आपने कहा टीसी किसके इक्वल है, टीएफसी प्लस टीवीसी के। जीरो लेवल पे, किस पे ध्यान से सुनना, किस पे, जीरो लेवल पे क्या टीवीसी जीरो होता है, ये अभी समझाया था, जीरो लेवल पे क्या जीरो होता है, अभी एग्जांपल्स दिए थे ना, ना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना कैजुअल लेबर को रखना पड़ेगा। जीरो लेवल पे अगर टीवीसी जीरो है तो इस फॉर्मूले में टीवीसी को क्या रख दो, तो टीसी खुद किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली किस लेवल के लिए, जीरो। याद रखना जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही फैक्ट्री में तो जितना मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा वही मेरी क्या होगी, ये अभी भी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, कैसे याद रखोगे। और दूसरी बात एक और जो याद रखनी है, टीसी किसके इक्वल होता है, हमने देखा टीएफसी प्लस टीवीसी, कैसे लिख सकते हैं, टीसी में से क्या माइनस करो, टीवीसी, तो टीएफसी आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 3 2 है, ये क्या समझा रहे हैं, 5 और 3 का जो डिफरेंस है, 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो जो टीसी और टीवीसी का डिफरेंस है किसका, वो क्या है, क्या टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो हमेशा क्या रहती है, सेम, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा हमेशा। भैया ऐसी बातें कहाँ याद रखनी है और क्यों समझाई आपने ये बात, ये लिखनी तो है ही, बाकी ये हमें कर्व में भी याद रखनी है। बेटा कोई मुझे टीएफसी की शेप बताएगा कैसी होती है, पैरेलल टू टीवीसी की, ऐसे इनवर्स एस शेप, जीरो से बनाएंगे और इंक्रीज करते चले जाएंगे। बेटा मेन मुझे टीसी समझाने बात ना हो, पहली बात टीसी खुद स्टार्ट कहां से होगा, टीसी जीरो लेवल पे किसके इक्वल था, टीएफसी के, तो टीसी स्टार्ट कहां से होगा, टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से। और टीसी सेम टू सेम पता कैसे बनेगा, टीवीसी की तरह टीसी पैरेलल बनाए टीवीसी के, ये जो गैप है ना, किसका गैप है, टीसी और टीवीसी का, ये गैप क्या है, कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों का गैप क्या भी समझाया था, टीसी और टीवीसी का गैप क्या समझाया था, टीएफसी क्या रहता है हमेशा कॉन्स्टेंट, तो ये जो गैप है वो भी क्या रहेगा, क्योंकि वो गैप क्या ही है, टीएफसी है। एक बार मैं दोबारा अपने यहाँ पे हैंड रिटन नोट से समझा दूँ वही बात, फिर आप लिख लेना क्या क्या बताया। टीसी किसके इक्वल होता है, जीरो लेवल पे टीवीसी क्या है, तो टीसी किसके इक्वल आ गया, तो क्या याद रखना, जीरो लेवल पे टीसी किसके इक्वल है, क्लियर। दूसरी बात फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू, मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों का वो टीएफसी जो हमेशा क्या रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा। फिर कर्व बनाया, टीएफसी पुराने वाला, ये पुराने वाला, टीसी को क्या याद रखती बातें, टीएफसी के स्टार्टिंग पॉइंट से और टीवीसी के पहले, ये शेड्यूल वही पुराना डुप्लीकेट,
वही कॉपी पेस्ट, टीएफसी कांस्टेंट, टीवीसी की वैल्यू याद रख लो बस। पहले वो बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, 50 से बड़ा, 40 से बढ़ा, 20 से बढ़ा, फिर वो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। और ये कैसे आ जाएगा, इन दोनों को 20+0, 20+50, 70, 110, 130, 160, 220। और यहाँ पे एक बात लिख दी, टीसी और टीवीसी आपस में क्या है, पैरेलल, वो कभी भी इंटरसेक्ट, उनका डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट। बेटा अपने हाथों को कस दो, जल्दी से इसे लिखो, टोटल वाले कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, कोई डाउट है पूछो। बात नाउ, अभी हमने पूरा टोटल कंसेप्ट कर लिया, आज 1 मिनट इसे रिवाइज करें और खत्म करें। सबसे पहले क्या समझाया, कॉस्ट क्या है, मीनिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितने तरह की कॉस्ट है, दो, वेरिएबल और वेरिएबल का मतलब जो खर्चा चेंज होता है प्रोडक्शन के, और फिक्स का मतलब जो चेंज किसके चेंज होने से, जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, लेकिन जीरो लेवल पे फिक्स कॉस्ट जीरो। फिर एग्जांपल देखा, जैसे कि रेंट ऑफ द बिल्डिंग, क्या है रेंट ऑफ द बिल्डिंग, फिक्स, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, लेकिन जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी बिल बियॉन्ड मिनिमम जो है, वेरिएबल। बेटा शेड्यूल याद रख लो, पूरा चैप्टर इन दोनों के शेड्यूल पे डिपेंडेंट है, याद रख लो इस बात को। इसका तो ये तो भाई ऐसे ही है क्या, हर एक लेवल पे सेम, जीरो लेवल पे आता है इसका कर्व क्या, पैरेलल टू एक्सिस, ये तो बच्चों वाली बात है। पीवीसी भी याद रखना तो आसान है कि ये प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा याद रखो कि पहले कैसे बढ़ता है, फिर कैसे बढ़ता है, तो ये वैल्यू याद रख लो अच्छे से। पहले जीरो, फिर बढ़ा 50 से 40 से, 50 90, फिर 20 से 110, फिर 30 60। तो पहले कैसे बढ़ रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट से, फिर बेटा ये याद रखना, 50 90 110 140 200, इसका कर्व बना लिया वो इनवर्स एस शेप। इसका यूज करके यहाँ पे एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन कर लिया तीनों का, कि टीसी जनरली किसके इक्वल होता है, जीरो लेवल पे टीवीसी जीरो, तो जीरो लेवल के लिए एक अलग से, टीसी टीएफसी के इक्वल, टीसी और टीवीसी का डिफरेंस क्या है, टीएफसी जो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। ये देखो पुराना शेड्यूल, पुराना शेड्यूल दोनों को प्लस करा तो टीसी आ गया, पुराना कर, पुराना कर, और ये क्या आ गया, नया कर। टोटल से चैप्टर कंप्लीट, कल किससे करेंगे एवरेज आज के।